अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक देश भर में आज रिलीज हो गई। ऐसे में पहले से विवादों में चल रही फिल्म पर राजनीति भी शुरू है। भोपाल में NSUI ने फिल्म छपाक का शो फ्री में दिखाया, वहीं दूसरी ओर BJP फिल्म के विरोध में उतरी है। तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने छपाक फिल्म को टैक्स फ्री किया है। भोपाल में रंगमहल और संगीत टॉकीज का जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने। भोपाल में दो अलग अलग फिल्मों के समर्थन में कांग्रेस से जुड़े NSUI संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। छपाक फिल्म के फ्री टिकट दे रही है NSUI और तानाजी फिल्म के फ्री टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ का नजारा। NSUI के कार्यकर्ता स्टूडेंट्स को फ्री टिकट दे रहे हैं छपाक फिल्म का, क्योंकि JNU मामले में दीपिका पादुकोण का स्टैंड के बाद भाजपा उनका विरोध कर रही है, भाजपा से विरोध कर रहे हैं, तो NSUI उनके समर्थन में खड़ी होकर टिकट दे रही है। दूसरी तरफ इस फिल्म के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फ्री टिकट दे रहे हैं। दूसरी मूवी जो इसी थिएटर में लगी है तानाजी, उसका हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के NSUI विंग के प्रवक्ता विवेक भाई। किस तरह के आज फ्री टिकट दिए जा रहे हैं? आज NSUI द्वारा यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज ID कार्ड दिखा के मुफ्त में छपाक मूवी के टिकट का वितरण किया जा रहा है। हम भाजपा के अपने साथियों से कहना चाहते हैं, बहिष्कार करना है तो एसिड अटैक करने वालों का बहिष्कार होना चाहिए, कि ना कि ऐसी पिक्चर का जिसका विषय ये है कि एसिड अटैक पीड़िता को अपने जीवन में किन चुनौतियों किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस विषय पे ये पूरी पिक्चर है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं छपाक देखने आए हुए हैं। तो फ्री टिकट दे रही है NSUI छपाक के, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ फ्री टिकट दे रही है तानाजी के। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं लिली भाई, किस तरह का आज विरोध है पूरा? हम लोग छपाक फिल्म की एक्टर दीपिका पादुकोण का विरोध करने आए। वो पिछले दिनों JNU कॉलेज में जाके जो CA का विरोध कर रहे हैं, जो कश्मीर मांगे आजादी का विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ जाके खड़े हुई थी। और दूसरी तरफ हम तानाजी फिल्म की टिकट बांट रहे हैं, जो देशवीर की देशवीर है उसकी सपोर्ट के लिए आए कि उनके ऐसे फिल्म देखना चाहिए आम जन को। आप देख सकते हैं कि राजनीति ने कला कलाकारों और फिल्मों की थीम को भी बांट दिया है, और भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग इस पूरे मामले पर आमने सामने हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सचिन चौधरी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।